Good day, everyone. Welcome on board. Welcome on this journey we are starting with respect to our course, the name of which is Financial Analysis and Valuation. Now, you can also call it Financial Modeling and Valuation. Financial Modeling, Financial Valuation, Financial Analysis. Well, this course will be taken up by me. A slight introduction about myself. I am Agrika Khatri. I'm a chartered accountant and I work in valuation profile. तो दोस्तों हमारा ये जो कोर्स है ये क्या है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, ये करने के बाद हम अपने रिज्यूमे में ऐड तो कर लेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम किन नई अपॉर्चुनिटीज, किन नए दरवाजों की तरफ दस्तक दे पाएंगे, कहां कहां हम मार्केट में फिट इन होंगे, बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं। और यस, सो इफ यू बिलोंग टू फाइनेंस और मे बी अकाउंट्स प्रोफाइल और मे बी यू हैव कीन इंटरेस्ट इन इट और मे बी यू आर थिंकिंग टू गेट इन टू वन जॉब इन द सिमिलर इंडस्ट्री, आपने रीसेंट टाइम्स में, पास्ट फ्यू इयर्स में फाइनेंशियल मॉडलिंग शब्द का इस्तेमाल हर जगह देखा होगा, फाइनेंशियल मॉडलिंग शब्द कई जगह सुना होगा। कहां सुना होगा? अगर आप जॉब पोर्टल्स पे अक्सर विजिट करते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव कंप्लीटेड एनी ऑफ योर प्रोफेशनल और मे बी ग्रेजुएशन डिग्री और आप जॉब पोर्टल्स पे अक्सर सर्च करते रहते हो, तो वहां पे आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग कीवर्ड जो है भर भर के आजकल मिलता है कुछ सालों से। अगर ऐसा नहीं है, आप अपने कुछ सीनियर्स, अपने दोस्तों को आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हुए देखा है या फिर आपने उनसे सुना है, उन इंटरव्यूज की कहानी सुनी हुई है या फिर जहां वो जॉब करते हैं वहां आप उनसे बातें करते हो, आप अपडेटेड रखते हो खुद को इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में, तो आपने सुना होगा कि फाइनेंशियल मॉडलिंग की बातें वो बहुत करते हैं। तो भाई इतना तो पता है कि इसका बस बहुत ज्यादा है मार्केट में, फाइनेंस अकाउंट्स इंडस्ट्री में, मार्केट में इसका बहुत ज्यादा बस है। बस शायद एक सही वर्ड नहीं है, बस तो चलिए एक र्यूमर भी हो सकता है। फाइनेंशियल मॉडलिंग इज समथिंग जो कि आजकल एम्प्लॉयर्स बहुत ज्यादा कीनली इंटरेस्टेड हैं, जिनमें वो अपने हर रिज्यूमे में, अपने हर एक नए एम्प्लॉई, एक नए एस्पिरेंट में फाइनेंशियल मॉडलिंग की खूबियां जरूर ढूंढते हैं। और हाँ, ये सच है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग यदि आपको अच्छे तरीके से आता है तो जब जब मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग कहूँ आप फाइनेंशियल एनालिसिस भी समझ लेना, ये क्या है हर कीवर्ड हम वन बाय वन आज समझेंगे। तो आई वॉज सेइंग फाइनेंशियल मॉडलिंग इज समथिंग रियली, इट इज सम अ स्किल, अ वैल्यूएबल स्किल विच व्हेन अंडरस्टूड नाइसली बाय यू, नाइसली का मतलब आप एप्लीकेशन उसका बेहतरीन तरीके से यदि कर पाते हो तो आपकी इंडस्ट्री में मार्केट वैल्यू जरूर बढ़ेगी, आपका पे स्केल अपने पीयर्स से, अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पे स्केल तो चलिए बात की बात है, आप अपने आप को अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स से अलग पाएंगे। यस, इट इज रियली इम्पॉर्टेंट, आई कैन से दैट बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इन दैट एंड आई हैव सीन वेरियस रिज्यूमेस विच आर गिवन प्रायोरिटी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल मॉडलिंग कीवर्ड। सिर्फ कीवर्ड ही नहीं, डेफिनेटली आपको आता होगा तभी आप आगे के राउंड्स जो है कंप्लीट कर पाओगे। ऑलराइट, तो यदि अभी आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो चलिए हम समझते हैं कि ये है क्या, इसका ट्रेंड इतना ज्यादा क्यों चला हुआ है, ये आखिरकार इम्पोर्टेंट क्यों है, राइट? तो दोस्तों रिसेंटली फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में अगर हम वन बाय वन समझें तो रिसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में, हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो अगर हम रीसेंट फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अफेयर्स को देखें, इवेंट्स को समझें,
तो हम देख पाएंगे कि ये जो दोनों ही इंडस्ट्री है, फाइनेंस इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट लॉ वर्ल्ड जो है, बहुत ज्यादा एक्सपैंड, बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है, राइट? फाइनेंस की अगर इन दैट कॉन्टेक्स्ट फाइनेंस इंडस्ट्री की हम बात करें, तो फाइनेंस इंडस्ट्री की इंडिया में अगर हम बात करें तो जो रोल्स हैं वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हुए हैं, ठीक है? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन, भले वो आईटी सेक्टर हो हमारा, कोई भी सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, जरूरी नहीं कि म्यूचुअल फंड्स या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या फिर फाइनेंशियल बैंक्स या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स ही हो, कोई भी छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट, हर किसी को फाइनेंस डिपार्टमेंट की आवश्यकता होती है, या फिर ये कह सकते हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो हर कॉर्पोरेट का, हर इंडस्ट्री का एक बैकबोन होता है, राइट? तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि फाइनेंस इंडस्ट्री बूम कर रही है, और फाइनेंस इंडस्ट्री के विदिन, फाइनेंस डिपार्टमेंट के विदिन वेरियस हायरार्की ऑफ फाइनेंस प्रोफेशनल्स की जरूरत है। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी, यदि आप मेरी बात नहीं मानते तो आप monster.com, naukri.com, linkedin, etc. जो भी किसी भी नौकरी जॉब पोर्टल्स जिसको आप फॉलो करते हैं उस पर जाकर के आप देखें, फाइनेंस या फिर अकाउंट्स के अच्छे पे करने वाले रोल्स में फाइनेंशियल मॉडलिंग कीवर्ड आपको जरूर मिलेगा, हर प्रोफाइल में ही आपको मिलेगा, एंट्रेंस लेवल, फ्रेशर लेवल से लेकर के हायर 7-8 15 ईयर्स एक्सपीरियंस वालों के लिए भी ये मायने रखता है, राइट? तो बैकड्रॉप ये है कि फाइनेंस इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बहुत बूम हुई है, फाइनेंस सेक्टर इन जनरल बहुत बूम हुआ है। तो जब वो बूम हुआ है तो उसके नीचे की जो हायरार्कीज हैं वो डाइवर्सिफाई हुई हैं, और विद इन ईच हायरार्की फाइनेंशियल मॉडलिंग इज समथिंग जो कि हर लेवल पे रिक्वायर्ड है, राइट? आप बस अभी मेरी बातें सुनते जाओ। अभी हम आगे बहुत सारी चीजें समझेंगे कि भाई हम किन किन अलग अलग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर किन अलग अलग इंडस्ट्रीज में या फिर प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों, सेल साइड, बाय साइड, इक्विटी रिसर्च, प्राइवेट इक्विटी, ये सारी चीजें सुनी है ना, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंक, इन सब जगहों में आप इस स्किल को सीख करके एंटर कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको इन सारे रोल्स के बारे में के बीच का डिफरेंशिएशन नहीं पता, देन डोंट यू वरी, बिकॉज आज मैं एट लेंथ सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ आपसे। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं एक छोटी सी बात कि भाई हमारा फाइनेंशियल मॉडलिंग जो होता है एग्जैक्टली होता क्या है। तो दोस्तों ये समझो, अभी हम फाइनेंशियल एनालिसिस वर्ड, ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस वर्ड है, इसे कुछ देर के लिए होल्ड पे रखते हैं। हमारा जो ये हीरो एलिमेंट है फाइनेंशियल मॉडलिंग, अभी मैं आपको इसको बताना चाहती हूँ, राइट? व्हाट एग्जैक्टली इज फाइनेंशियल मॉडलिंग? बहुत सारी डिफरेंट ऑल्टरनेट डेफिनेशंस पढ़ेंगे अपने कोर्स में, अभी क्योंकि शुरू कर रहे हैं तो एक वन लाइनर, टू लाइनर समझते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक सिंपल सा एग्जाम्पल थ्रो करती हूँ मैं आपके ऊपर। मानो कि हम आपको एक घर खरीदना है या फिर घर बनवाना है जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए के लोन की आवश्यकता है आज के डेट में, ठीक है? आज के डेट में आपको जीरो पे आप खड़े हो, जीरो ईयर पे आप खड़े हो, ठीक है? आपको यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, दिस इज जीरो ईयर प्रेजेंट, ओके? आपको चाहिए एक प्यारा सा घर, ठीक है? इसके लिए आपको लगता है कि आपको 10 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपके पास तो नहीं है। आप जो है अप्रोच करते हो एक बैंक को। किसको अप्रोच करते हो आप अप्रोच करते हो एक बैंक को। बैंक ने आपको होम लोन दे तो दिया आज जीरो पे, लेकिन बैंक ने कहा कि भाई वो आपसे मान लेते हैं 10% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो पर एनम। मंथली इंस्टॉलमेंट जो होंगी वो तो देखा जाएगा, पर एनम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 इयर्स तक आपको मान लीजिए पे करना है, या फिर जो भी एन नंबर ऑफ इयर्स जो है ये आपको नहीं पता है, यू हैव टू पे दिस। आप अपने ईएमआईज निकाल लेते हो इस हिसाब से, वैसे तो बैंक ही आपको निकाल के दे देता है। मान लेते हैं कि बैंक आपको निकाल के नहीं देता है आपका ईएमआई, मान लेते हैं एक्स है आपका ईएमआई और नंबर ऑफ इयर्स है एन,
लेकिन आपको इतना पता है कि आपने आज की डेट में 10 लाख का लोन लिया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब मानते हैं आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो जिसकी महीने की सैलरी जो है अराउंड 70,000 रुपीज है, 70,000 रुपए पर महीने आपकी सैलरी है, ठीक है। आपको जो है 7 साल तक अपना लोन चुकाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सालों तक अपना लोन चुकाना है और आप ईएमआई पे करते हो हर महीने। तो ये एक सवाल खड़ा हुआ, समझ रहे हो, ये एक सिनेरियो है, एक प्रश्न या फिर एक केस स्टडी खड़ी हुई। आप कैसे निकालोगे? आप मैथमेटिक्स करोगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे? अगर यही बात थोड़ी सी और बड़ी हो जाए तो आप किसी टूल का इस्तेमाल करोगे और नंबर्स में क्रंचिंग करके, डेटा में क्रंचिंग करके एक सल्यूशन पे आएंगे आप, राइट। तो ये एक बहुत ही छोटा उदाहरण था फाइनेंशियल मॉडलिंग का। समझो, आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि दिए हुए हैं, जैसे इन दिस केस यू हैव अ वेरिएबल दैट यू हैव समथिंग व्हिच इज गिवन, व्हिच इज प्री नोन, दैट इज 10 लाख रुपीज अमाउंट एंड 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑन द अदर हैंड देर इज समथिंग व्हिच इज नॉट नोन। व्हाट इज नॉट नोन? नंबर ऑफ इयर्स इन व्हिच यू हैव टू रीपे, इन व्हिच यू हैव टू पे बैक द प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट। ऑल्सो यू डोंट नो वॉट विल बी योर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, दैट इज योर ईएमआईज। तो यहाँ पे आप एक्सेल पे, मान लेते हैं एक्सेल शीट पे जो है आप कुछ फॉर्मूलाज लगा करके, दिस इज एक्सेल शीट विच आई एम ट्राइंग टू मेक, आप एक्सेल कुछ फॉर्मूलाज लगा करके आंसर पे आते हो। दिस इज अ वेरी बेसिक, वेरी मीगर एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग, राइट। इन दिस वे लेट सपोज यू हैव सम अदर एग्जाम्पल्स, लेट सपोज आपको एक अपना स्टार्टअप खोलना है, ठीक है। आपके दिमाग में एक आइडिया है कि आपको लेट सपोज एक कोचिंग बिजनेस या फिर एक स्कूल खोलना है। आज से मान लेते हैं आज खोलना है या फिर 1 साल बाद खोलना है। आपको इतना पता है कि आपको खोलना है अपना स्कूल। अब आपने एक एक्सेल शीट पे कुछ एजम्पशंस लगा करके, फ्यूचर के एजम्पशंस कि भाई इतने बच्चे आएंगे तो उनसे इतनी सैलरी मिल, उनसे उतनी इतनी फीस मिलेगी, फिर इतने इतने टीचर्स, इतने इतने स्टाफ हम रखेंगे तो उसकी हमारे इतने एक्सपेंसेस होंगे, हम कुछ मशीनरी लाएंगे, जनरेटर लाएंगे, सबसे पहले तो हम अपनी बिल्डिंग के लिए पैसे इकट्ठे करेंगे, ऑल दीज थिंग्स। सो गिवन द फैक्ट ऑल दीज एजम्पशंस ऑफ द फ्यूचर, आप एक प्रेजेंट वैल्यू पे आओगे कि आज 0th ईयर पे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद एंड सो ऑन, आपको कितने पैसे की आवश्यकता होगी अपने स्कूल को खोलने और तो और उसको रन करने में। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग, दैट इज वैल्यूएशन, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि एक स्टार्टअप के लिए भी हमें फाइनेंशियल मॉडलिंग एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। और तो और अगर हम एक मशीनरी खरीद रहे हैं, उस मशीन को हम आज खरीदें या फिर 2 साल बाद खरीदें, डिपेंडिंग बहुत सारे इनपुट्स चेंज होंगे, इसको हम फाइनेंस के नॉलेज में बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। अगर आप सीए स्टूडेंट हो तो आपने कैपिटल बजटिंग जरूर सॉल्व किए होंगे, उसके क्वेश्चंस, तो ये भी हम फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर कवर करते हैं। तो सिंपली बात ये, खैर इस पे तो हम पूरा अपना सेशंस, आगे के जितने भी सेशंस हैं इसी पे बेस्ड होंगे, इसी के अराउंड रिवॉल्व होंगे, बट आपको इतना समझ में आ गया, इफ यू हैव सर्टेन प्रॉब्लम, यू हैव सर्टेन डेटा, यू हैव सर्टेन एजम्पशंस ऑफ द फ्यूचर, सर्टेन डेटा ऑफ द पास्ट, उसको आप मिला करके कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग, फाइनेंस के प्रिंसिपल्स लगा करके एक वैल्यू पे, एक सोल्यूशन पे आते हो, इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं दोस्तों फाइनेंशियल एनालिसिस एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, ठीक है। ओके, तो दोस्तों ये तो हमने समझ लिया। अब हम चर्चा करेंगे कुछ और चीजों की, जैसे कि ये फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस जो है किसे करना चाहिए, राइट। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल गेट अ ब्लैंक शीट फॉर यू ऑल। ओके, तो हमारा जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच स्टूडेंट इज कॉम्पिटेंट, ठीक है, हु कैन डू दिस कोर्स।
यहाँ पे कैन लिख सकते हैं। और तो और मैं एक सवाल करूंगी, हु ऑल शुड डू दिस कोर्स? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हु ऑल कैन डू दिस कोर्स? अक्सर बच्चों के दिमाग में एक सवाल होता है कि भाई हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम कंपनी सेक्रेटरीज हैं, हम कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, तो क्या सिर्फ तभी हम कर सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग इज दिस कोर्स इज रियली 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 प्रेवलेंट, वेरी फेमस अमंग्स द स्टूडेंट्स एज वेल एज हु हैव कंप्लीटेड, दैट इज डिग्री होल्डर्स। तो भाई जो स्टूडेंट्स हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो इंटरमीडिएट लेवल पे, आर्टिकलशिप लेवल पे, या फिर फाइनल लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो बन चुके हैं, जो डिग्री होल्डर्स हैं ऑफ CA, CS, CMA, कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट्स, CFAs, राइट? नेक्स्ट CFA स्टूडेंट्स को तो अलग कैटेगरी में रखना चाहिए। थर्ड MBA स्टूडेंट्स, मोस्ट स्पेसिफिकली MBA फाइनेंस। नाउ बिगेस्ट थिंग, यू वुड नॉट बिलीव बट इवन IT प्रोफेशनल्स दीज डेज आर डूइंग दीज कोर्सेस, और वो जो है अपने करियर को अपग्रेड कर रहे हैं, दे आर एबल टू मूव अप द लैडर। तो इसका मतलब है जब IT प्रोफेशनल कर सकता है, तो सिंपल सी बात है, क्या एक ग्रेजुएट नहीं कर सकता? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर आपको क्वेश्चंस कोरा पे, यूट्यूब पे इस चीज से रिलेटेड मिल जाएंगे कि आप ग्रेजुएट करते हैं। मैं जहां पे काम कर चुकी हूं दोस्तों, आई एम टेलिंग यू अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन, देर आर ग्रेजुएट्स फ्रॉम अकाउंट्स, फ्रॉम फाइनेंस, से बीकॉम, बीबीए, राइट? ऑल दीज पीपल जिन्हें अकाउंट्स की नॉलेज है, सी इफ यू नीड टू हैव अकाउंट्स नॉलेज, वैसे हम अपने इस कोर्स में अकाउंट्स नॉलेज से शुरू करेंगे, अकाउंटिंग फंडामेंटल से शुरू करेंगे। तो अगर आप खैर इसमें फॉल करते हैं या फिर यहां फॉल करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो पे स्केल होगा वो अलग होगा। दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अदर्स इन द फर्स्ट कैटेगरी हु कंप्लीट दिस कोर्स, दिस फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल, उनका तो जो पे स्केल होता है वो अलग लेवल पे हो जाता है, उनकी जो प्लेसमेंट होती है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज पीपल, ग्रेजुएट्स दोस्तों, द सेकेंड कैटेगरी। इफ यू आर अ ग्रेजुएट और यू आर अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट फ्रॉम अकाउंट्स, फ्रॉम फाइनेंस, इवन BBA, इवन MCOM, एंड यू डू दिस कोर्स, आपको मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी पोर्टल्स पे, जॉब पोर्टल्स पे जाकर के देखें, एंट्री लेवल जो जॉब होती है फाइनेंशियल मॉडलिंग प्लस ग्रेजुएशन बहुत ही ऑसम होती है। आप खुद ही सोचो, सिर्फ और सिर्फ आप प्लेन ग्रेजुएट हो, आपको कहीं भी जॉब मिलना बहुत मुश्किल होगी, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू कंबाइन फाइनेंशियल मॉडलिंग विद योर ग्रेजुएशन, इट विल टेक योर करियर टू नेक्स्ट लेवल। देयर आर मेनी पीपल आउट देयर जिनसे मैं मिलती भी हूँ, जो कि जिनके पास, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जो अब CA वगैरह टेकअप नहीं करना चाहते या फिर MBA टेकअप नहीं करना चाहते, क्योंकि डेफिनेटली उसमें फीस इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ ईयर्स इन्वॉल्व है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वक्त और पैसे की। तो आपके लिए ही है ये फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स, आपके लिए भी है ये फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स। यस, आप कहाँ फिट इन होंगे, किस हायरार्की में फिट इन होंगे? डेफिनेटली एंट्री लेवल पे फिट इन होंगे, एनालिस्ट पोजीशन पे फिट इन होंगे। उसके बाद आप चाहो कमाते कमाते, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अर्न करते करते टॉप अप कर सकते हो कुछ एग्जामिनेशन से। इन सारी चीजों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। और तो और इंटरव्यू स्किल्स, रेज्यूमे राइटिंग स्किल्स, इस पे भी हमारे स्टडी एट होम पे कुछ कोर्सेज अवेलेबल है मेरे, आप उनको भी जरूर देखिएगा, तो उससे आपको बहुत एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉलेज भी हो जाएगी। फिलहाल अपने मुद्दे पर रहते हैं, टॉपिक पर रहते हैं, तो एक बात तो श्योर है कि भाई ग्रेजुएट्स, प्रोफेशनल्स सभी इस कोर्स से
जो है बेनिफिटेड होंगे। ओके नेक्स्ट, हमने समझ लिया दोस्तों कि फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है, एक स्लाइट आइडिया तो समझ ही लिया कि क्या है। दोस्तों दो बातें भी मैं करना चाहूंगी आपसे कि सबसे पहली बात तो यहां पे चलो हम नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक लेंगे कि हमारा जो कोर्स है ये जो कोर्स होने वाला है इसका फ्लो क्या होगा, इसको भी मैं बाद में लूंगी। उसके पहले मैं टेकअप करना चाहती हूँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको फाइनेंशियल एनालिसिस और फाइनेंशियल मॉडलिंग के बीच का अंतर बताऊंगी। बहुत से लोग होते हैं जो कोर्सेज कर लेते हैं उनको इसके बीच का अंतर ही नहीं पता होता, अंतर तो होना जरूरी है भाई। देखो ग्रेजुएशन प्रोफेशनल किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया आईटी प्रोफेशनल्स भी इसको करते हैं। बात ये है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग जो है ना क्यों जरूरी है ये समझो। आजकल आप देखते होंगे इस कंपनी ने दूसरे कंपनी को टेक ओवर किया, ये कंपनी आज एक्सपैंड हो रही है, रिलायंस ने इसको टेक ओवर किया, ये कंपनी अपना एक्स वाई जेड कंपनी अपना आईपीओ रेस कर रही है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, उनको पैसे चाहिए प्राइवेट इक्विटीज से एंजल इन्वेस्टर्स से। तो जो दुनिया है ना इस वक्त की जो सेंचुरी है हमारी पैसे के इर्द गिर्द घूम रही है, वैल्यूएशन के इर्द गिर्द घूम रही है, समझ रहे हो। एक छोटे से स्टार्टअप को भी अगर पैसा चाहिए तो वो आज उसने काम चालू भी नहीं किया है फिर भी आज फाइनेंशियल एनालिसिस फाइनेंशियल मॉडलिंग के एक्सपर्ट को वो हायर करता है और वो आज अपनी एक वैल्यू पे आता है। उस वैल्यू को ले जा करके वो किसी प्राइवेट इक्विटी या फिर एंजल इन्वेस्टर को दिखाता है और वो लोग उसको फंड करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा अगर आपने कभी कार खरीदी या फिर आपके पेरेंट्स ने कार खरीदी तो वो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न्स मांगते हैं, राइट। इनकम टैक्स रिटर्न्स मांगने के बाद ही वो सैंक्शन करते हैं कार लोन, क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि आपके पास्ट रेवेन्यू के बेस पे, आपके पास्ट अर्निंग के बेस पे आपकी फ्यूचर को वो जज करते हैं कि भाई तुम एक महीने में इतना इतना पैसा कमा पा रहे हो, ये तुम्हारी क्रेडिट वर्थनेस है। उसी को देखते हुए वो आपकी एक वैल्यू निकालते हैं, आपको पता भी नहीं है, वो भी फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं। आज वो आपकी एक वैल्यू निकालते हैं कि भाई बंदे ने इतना इतना कमाया है, इसका मतलब इसी बेसिस पे या फिर कुछ कम ज्यादा वो आगे के सालों में कमाएगा, इसके पास इतना कैश फ्लो होगा तभी ये मेरे ईएमआई को चुका पाएगा, है ना। तो दोस्तों आपने ये समझ लिया कि जो इस वक्त की दुनिया है सिर्फ फाइनेंस के इर्द गिर्द घूम रही है और रोज कुछ ना कुछ टेकओवर्स हो रहे हैं, रोज नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। स्टार्टअप्स का क्या ही नाम ले, ओयो ओला स्विगी, ये सब आज नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। इन्होंने भी कभी ना कभी फाइनेंशियल मॉडलिंग करके शुरू किया होगा अपना काम और आज भी फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं। रोज कभी आईपीओ रेस करते हैं, पब्लिक से पैसा रेस करते हैं, कभी किसी को टेक ओवर करते हैं। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन के हेल्प से होता है और वो जो वैल्यूएशन है वो दो चीजों से आता है। ये देखिए नाउ बीच में स्टैंड करता है दोस्तों, बीच में स्टैंड करता है आपका वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया? टू असेस या बोल सकते हैं प्रोवाइड वर्थ या फिर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मतलब किसी किसको, टू एनी कंपनी, एनी एग्जिस्टिंग कंपनी बोल सकते हैं, एनी स्टार्टअप बोल सकते हैं, एनी प्रोडक्ट, एनी सर्विस। आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ और सिर्फ एक कार्ट होती है ना दोस्तों, एक कार्ट होती है, मान लो फ्रूट की कार्ट है ये जिसमें बनाना एप्पल है, इसका भी वैल्यूएशन होता है, ठीक है। वो अलग बात है कि कोई करता नहीं है लेकिन पढ़ाने के लिए लोग यूज करते हैं। तो एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चीज का वैल्यूएशन हो सकता है, राइट। अब ये वैल्यूएशन होता कैसे है, उसके दो मेथडोलॉजीज हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस और फाइनेंशियल मॉडलिंग।
नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिसिस? आपने क्या अब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुना है? आपने सुना होगा दोस्तों इनकम स्टेटमेंट, आपने सुना होगा ना कि भाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट होती है ना, सुना होगा। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, मान लेते हैं जैसे कि इनकम स्टेटमेंट होती है हमारी, है ना, किसी की भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, या फिर उसको बोल सकते हैं इनकम स्टेटमेंट होता है, हमारे पास होता है बैलेंस शीट, हमारे पास होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप में से कुछ लोगों को इसका मतलब नहीं पता तो टेंशन मत लो, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, हम अपनी शुरुआत ही फंडामेंटल अकाउंट से करेंगे। और हाँ, डेफिनेटली जिन लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आती हैं वो डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं और वो नेक्स्ट वैल्यूएशन फंडामेंटल्स पे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट आई हैव टू कीप इन माइंड ईच एंड एवरी पर्सन हु इज अटेंडिंग दिस कोर्स, वेदर ही इज फ्रॉम सीए बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड और नॉट, राइट। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि वैल्यूएशन के लिए, इस वैल्यूएशन के लिए जो कि आज पूरी दुनिया को गवर्न कर रहा है, इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। पहला फाइनेंशियल एनालिसिस, दूसरा फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है? मान लो आप एक बिजनेस रन करते हो, या फिर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्री हर साल अपने एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न जो है अपलोड करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, या फिर ऐसे मान लो हल्के वर्ड्स में इस्तेमाल करें तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी बैलेंस शीट हर कंपनी बनाती है और पब्लिश करती है। आप भी अगर आपके घर में कोई पर्सन काम करता होगा, छोटे से छोटा जनरल स्टोर वाला भी होता होगा, तो वो अपने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो है फर्निश करता होगा, बनाता होगा। इसमें क्या होता है? इसमें ये पता होता है, ये बेसिकली पास्ट का होता है, ठीक है। तो हमें पिछले पास्ट को हम देखते हैं और हम देखते हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि उस इंसान ने, उस बिजनेस ने क्या कमाया, उसका रेवेन्यू क्या हुआ, उसके एक्सपेंसेस क्या हुए पिछले कुछ सालों में, या फिर पिछले साल ही उसने कितना कमाया, क्या सोर्सेस थे जिससे उसने कमाया, है ना। मान लेते हैं कि रिलायंस है, रिलायंस के पेट्रोल पंप भी हैं, रिलायंस जियो कम्युनिकेशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो रिलायंस ने कितना कमाया, अपने हर चैनल से कितना कमाया, रिलायंस के कितने आउटलेट्स हैं पूरे इंडिया में और आउटसाइड इंडिया, राइट। रिलायंस के एक्सपेंसेस कितने थे दोस्तों, रिलायंस के, ये हमको किससे पता चलता है, इनकम स्टेटमेंट से। इसी तरीके से रिलायंस के एसेट्स कितने हैं, रिलायंस के पास कितनी पूंजी है, कितनी उसके ऊपर लायबिलिटी है, इन सबको हम क्या करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं, हम फिगर्स के बीच का रिलेशनशिप ढूंढते हैं। अच्छा, इस साल में रिलायंस ने क्योंकि नए स्टोर्स खोले थे तो उन नए स्टोर्स का इतना इतना खर्चा हुआ होगा, और इसी वजह से उसके अगले साल में इतना नया नया रेवेन्यू आना शुरू हुआ। तो इसको बोलते हैं पास्ट के फिगर्स को देख करके नंबर की क्रंचिंग करना, दिमाग लगाना, इसको कहते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस, राइट। इतना समझ में आया? आज हम ज्यादा डीप नहीं रखेंगे इस सेशन को, सिर्फ यहां पे ही मैं खत्म कर दूंगी। तो दोस्तों समझने की कोशिश करो, फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब हो गया पुराने डेटा को उठा करके उसमें नंबर क्रंचिंग करना, पुराने डेटा को उठा करके फाइनेंस की नॉलेज, अकाउंट्स की नॉलेज, बिजनेस किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है उसके बारे में मेट्रिक समझ करके उस बिजनेस के अंदर खो जाना, समझ पाना कि ये क्या है, कहाँ बिलोंग करता है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, इस समझ रहे हो ये सारी चीजें, ठीक है मैम, समझ गए कि ये फाइनेंशियल एनालिसिस होता है ना, कि उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटी कितनी है, उसका कैश फ्लो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अक्सर आपने देखा होगा जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके रेवेन्यू तो बड़े हाई होते हैं, जैसे रैपिडो को मान लीजिए, इनके जो रेवेन्यूज होते हैं वो तो बहुत लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन ये लॉस में जा रहे होते हैं। तो ये सब समझ पाना है ना। नाउ इसी के बलबूते पे, इसी पास्ट के बलबूते पे प्रोजेक्शंस करना, मतलब रिलायंस को, या फिर रिलायंस को छोड़िए, बेवकूफ.com है ना,
बेवकूफ डॉट कॉम आपको पता होगा, अप्रैल और इन सब पे प्रिंटिंग करती है, या फिर मान लेते हैं स्विगी, स्विगी का एनालिसिस करना, और स्विगी का हमने 5 साल का एनालिसिस किया, स्विगी के 3 साल का डेटा उठा करके एनालिसिस किया, दिमाग लगाया उसके बेसिस पे, और नए इनपुट्स को लेकर के, अभी आप इसको डिटेल में समझोगे, हम प्रोजेक्शंस करते हैं, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो हमने यहाँ पे 3 चीजें समझी फाइनेंशियल मॉडलिंग, अभी मैं फिर से बताऊंगी। वैल्यूएशन समझा, किसी चीज को वैल्यू देना। वैल्यूएशन किससे आती है? 2 चीजों से, एक पास्ट है जो कि होता है फाइनेंशियल एनालिसिस, और एक फ्यूचर है जो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग। आइए अब मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग वर्ड का जो है ना थोड़ा सा ऑपरेशन करती हूँ, डीप ऑपरेशन। देखो दोस्तों, आपने ये तो समझ लिया कि ये एक गाड़ी चल रही है, किसी कंपनी का हम पास्ट एनालाइज कर रहे हैं। मान लेते हैं कोई भी कंपनी है, उसका पास्ट डेटा एनालाइज किया, पास्ट फिगर को एनालाइज किया, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग। अब हमने समझ लिया कि अच्छा, इस कंपनी के पास, स्विगी के पास इतने स्टोर है इंडिया में, मतलब स्विगी के पास तो स्टोर नहीं है, मान लेते हैं ओला, ओला जो है इतनी गाड़ियां चलाती है, खैर ओला के पास भी खुद की गाड़ियां नहीं है, है ना? तो ये स्टार्टअप आजकल ऐसे हो गए हैं। तो मान लेते हैं एक्स वाई जेड आपकी कोई कंपनी है, एक्स वाई जेड आपकी कोई कंपनी है, इसने पिछले 5, 4, 3, 2, 1 ईयर, आज ये आज है टुडे, और ये है फ्यूचर। तो आपने टुडे आज खड़े होकर के, आप एक फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सपर्ट हो, आप पिछले 5 साल का डेटा उठाते हो, किसका, कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी का, आप देखते हो इसने कैसे कैसे परफॉर्म किया, तो आपने इसकी एक रूपरेखा बना ली, आपने अपने मन में इसकी एक एनालिसिस कर ली। अब आप इस कंपनी के आज की डेट में मैनेजमेंट के साथ बैठते हैं, मैनेजमेंट का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठते हैं, इम्प्लॉयज के साथ बैठते हैं, और पूछते हैं कि भैया ये बताओ, पिछले सालों में आप हर साल 10-10% का ग्रोथ करते हो, कितना, आप हर साल जो है अपना रेवेन्यू जो है 10% के करीब बढ़ा पा रहे हो, यहाँ पे आप 6% बढ़े थे, प्लस हुआ था आपका रेवेन्यू, यहाँ पे आपका 8% हुआ, यहाँ पे भी 8% हुआ, नेक्स्ट ईयर उसके बाद आप 10-10% के ग्रोथ पे आ गए। तो हम ये मान लेते हैं कि आपने जितना एक्स वाई जेड कंपनी वाले भैया, आपने पिछले कुछ सालों में 10% की ग्रोथ की है ऑन एन एवरेज, तो हम ये मान लेते हैं कि 10 ही% जो है चलेगा। लेकिन लेकिन आप क्या कर रहे थे, मैनेजमेंट से बात करने बैठे, मैनेजमेंट ने आपको बड़ी नई और निराली बात बता दी। मैनेजमेंट ने बताया कि सर आप जो है फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सपर्ट हो, आपने ये तो बिल्कुल सही निकाल लिया, पास्ट एनालिसिस फाइनेंशियल एनालिसिस करके आपने ये बात तो बिल्कुल सही निकाल ली कि 10% हमारा ग्रोथ हो रहा है ऑन एन एवरेज। लेकिन सर मैं आपको एक बात बता दूं, हम जो है ना बहुत जल्दी इसी साल, क्या इसी महीने, एक्सपोर्ट करना चालू करने वाले हैं, और तो और हम ऑनलाइन बिजनेस भी चालू करने वाले हैं। आप कहोगे अच्छा, तब तो आप तो लंबी छलांग मारने वाले हो, ये 10% नहीं, मुझे तो लगता है 5% यहाँ 5% यहाँ, आप जो है फ्यूचर में 15 से लेकर के 25% तक की ग्रोथ करने वाले हैं अपने रेवेन्यू में, राइट? तो पास्ट को और प्रेजेंट मैनेजमेंट के डेटा को लेकर के आप एक फ्यूचर का रेवेन्यू फोरकास्ट करते हैं। फ्यूचर का रेवेन्यू दोस्तों आप क्या करते हैं, आप फ्यूचर का जो रेवेन्यू है उसको करते हो फोरकास्ट, फ्यूचर रेवेन्यू फोरकास्ट करते हैं। ये है आपकी पहली सीढ़ी फाइनेंशियल मॉडलिंग की। याद रखना, कोई भी चीज हैवी लगे तो उसको हैवी लगने मत देना, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना। ये मैं इसलिए कह रही हूं उन लोगों के लिए जिन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड ये और हल्का होने वाला है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर एजम्पशंस एक्सपेक्टेशंस, यू ट्राई टू बिल्ड, यू ट्राई टू फोरकास्ट द रेवेन्यू। इट्स द फर्स्ट लैडर, पहली सीढ़ी है फाइनेंशियल मॉडलिंग की। समझ में आया?
इसी तरीके से क्या हम ये कह सकते हैं मैम, क्या हम ये कह सकते हैं आप बोल रहे हो फाइनेंशियल मॉडल में आपने कहा कि आप जो है फोरकास्ट कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रही हो मैम आप क्या रेवेन्यू? जी हाँ मैम, कितने साल का डिपेंड करता है, अगले एक साल का भी हो सकता है। अगर आज मैं जिस भी साल में खड़ी हुई हूँ उससे एक साल बाद का, अगर आज मैं 2020 में खड़ी हुई हूँ तो ये 2021 का, और 2022 का, 2023 का, एंड सो ऑन। हम रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी इतना इतना कमाएगी, ठीक है मैम। सिर्फ रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्या? जी नहीं, जहां आपने रेवेन्यू प्रोजेक्ट किया दोस्तों, वहीं आप एक्सपेंसेस भी तो प्रोजेक्ट करेंगे मैम, सच में। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ उदाहरण दिया था रेवेन्यू का, तो मैंने रेवेन्यू के उदाहरण पे मैंने आपको रेवेन्यू का फोरकास्ट का उदाहरण दिया, लेकिन उसी तरीके से हम जो है एनालाइज करके दोस्तों एक्सपेंसेस को भी फोरकास्ट करेंगे, ठीक है, एक्सपेंसेस को भी फोरकास्ट करेंगे मैम। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जब दोनों फोरकास्ट कर लेंगे तो आप क्या ये कहना चाहती हो कि हम लोग एक प्रॉफिट पे आ जाएंगे? बिल्कुल, हम प्रॉफिट को, इन अदर वर्ड्स हम कंपनी के प्रॉफिट को फोरकास्ट करते हैं। वाओ, हम इतनी सारी चीजें फोरकास्ट कर लेते हैं। अरे यही नहीं, आइए आपको मजे की बात बताती हूँ। हम जो है, ये तो इनकम स्टेटमेंट थी, ये तो उदाहरण था इनकम स्टेटमेंट का। पता है दोस्तों, हम तो पूरी की पूरी बैलेंस शीट ही फोरकास्ट कर दिया करते हैं। क्या हम बैलेंस शीट भी फोरकास्ट कर सकते हैं? यस, हम पास्ट को देखते हुए एज वेल एज प्रेजेंट मैनेजमेंट से बातें करके, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनके फ्यूचर प्लान्स को मद्देनजर रखते हुए, और तो और अपने assumptions को लगाते हुए, और तो और जिस जो आपकी कंपनी है वो जिस इंडस्ट्री में है उसको देखते हुए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी तो बस शुरुआत है, उन सबको देखते हुए हम कंपनी के एसेट्स, कंपनी की लायबिलिटीज को भी प्रोजेक्ट करते हैं। वाओ, जस्ट वाओ। तो क्या मैम ये प्रोजेक्शन सही आते हैं? अरे भाई आप एक बात बताओ, एक कंपनी है, ठीक है, कोई एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कोई भी लेट सपोज एक बैंक है, वो दूसरे बैंक को टेकअप करता है। अब जब आप फाइनेंस और अकाउंट्स के बच्चे हो तो आप अक्सर सुनते रहते होगे इस फलान कंपनी ने इस फलान कंपनी को टेक ओवर कर लिया, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, इस बैंक ने उस बैंक को टेक ओवर कर लिया। तो एक बात बताओ, टेक ओवर की वैल्यू क्या होती होगी? टेक ओवर की वैल्यू क्या होती होगी? रिलायंस ने आज इस कंपनी को टेक ओवर किया, फेसबुक ने इसको टेक ओवर किया, राइट, व्हाट्सएप आज टेक ओवर हो गया, तो भाई आप कहोगे मैम इसकी वैल्यू पता है मैम कैसे निकलती होगी? क्या होता होगा, सिंपली जिस इंसान को दूसरे इंसान की कंपनी को टेक ओवर करना होता होगा, वो सिंपली उसके सारे के सारे पैसे, सारे के सारे एसेट्स उसको एड कर देता होगा मैम, सारे के सारे जो एसेट्स होते होंगे, एसेट जैसे भी बनता हो दोस्तों, और ये जो उसका पूरा रोकड़ा, उसका जो कैश है बैंक में पड़ा हुआ, उसके जो गोल्ड कॉइन्स वगैरह हैं, उन सबको ऐड करके उसमें से माइनस कर देता होगा लायबिलिटी कि उसको कितना देना है दूसरों को, और एक वैल्यू आती होगी, बस वही वैल्यू होती होगी टेक ओवर की मैम, है ना? हाँ, इतना आसान है क्या? जी नहीं। व्हाट्सएप को जब फेसबुक ने टेक ओवर किया दोस्तों, तो WhatsApp के पास जो नंबर ऑफ यूजर्स आज थे वो उसके एक एसेट थे, तो Facebook ने दोस्तों उसको उसका पैसा तो दिया ही दिया, साथ ही साथ WhatsApp अगर आज सेल ना होता तो वो कल को कितना कमा पाता, वो आज कितने वर्थ का है, आज टुडे जीरो पे कितने वर्थ का है, प्लस वो फ्यूचर में कितनी अर्निंग कर पाता। WhatsApp का मालिक बोलेगा मुझे सिर्फ ये नहीं, मुझे सिर्फ ये नहीं, मुझे ये भी चाहिए। अब टेंशन, अब ये कैसे निकाले, फ्यूचर तो पता ही नहीं है, फ्यूचर तो कल आएगा। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आता है एक फाइनेंशियल एनालिस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं एक फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सपर्ट।
राइट, समझ में आई बातें? दोस्तों ऐसा करेंगे कि आज हम इस सेशन को यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे कि हमारे कोर्स को हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, क्या क्या समझेंगे इसमें। भाई छोड़ना मुझे किसी को भी नहीं है, हर वो बच्चा जो कि इस कोर्स को करना चाहता है, जो कि इस फील्ड में अपने एक्सपर्टीज करना चाहता है, कल को जॉब करना चाहता है या फिर खुद कोई स्टार्टअप खोलना चाहता है ना, समझ रहे हो, अपने बिजनेस के लिए कोई फोरकास्ट करना चाहता है लेकिन उसको अकाउंटिंग और फाइनेंस का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उन सबके लिए ये कोर्स है। तो हम इसे अलग अलग लेवल्स पे बनाने वाले हैं। जीरो लेवल पे अकाउंटिंग नॉलेज होगी, फिर फाइनेंस वैल्यूएशन नॉलेज होगी, उसके बाद हम फॉर्मल फाइनेंशियल मॉडलिंग पे चलेंगे। तो जिसे जो चीज आती है वो उसको स्किप कर सकता है, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम जो इसको करते हैं दोस्तों, इसको हम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट की इस स्प्रेडशीट पे, हम जो कैलकुलेशन करते हैं ना एक्सेल स्प्रेडशीट पे करते हैं, राइट। तो इसके लिए क्या प्री रिक्विजिट है, एक्सेल आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इन सब की चर्चा अगले सेशन पे। होपफुली मैंने आपको बहुत शिद्दत से इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पे समझाने की कोशिश की है, राइट। एडवांस लेवल तक जाएंगे, एक एक चीज को इसी तरीके से घुस घुस के अंदर तक डीप एनालिसिस करेंगे, हर टर्म का, हर टर्मिनोलॉजी का, उसके हर इफेक्ट का। बने रहिए मेरे साथ, बहुत मजा आने वाला है। इट्स गोइंग टू बी रियली वैल्यूएबल। वील ऑल्सो टॉक अबाउट सर्टिफिकेशन इन द नेक्स्ट सेशन, एवरीथिंग वील टॉक अबाउट इट, एंड इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पोस्ट इट। Thank you so much. Stay tuned and see you in the next session. Bye.